मेरा नाम डॉक्टर अनम है और मैं सी एस एस ट्वेंटी थ्री क्वालिफाइड हूँ आई एम करंटली वर्किंग अंडर ग्रेड सेवेंटीन पी पी एस सी के साथ वर्किंग एज अ गाइनोकोलॉजिस्ट ठीक है ये मेरा शॉर्ट सा एक इंट्रो है हम ट्राई करेंगे कि हम इस लेक्चर को जितना शॉर्ट और कंसाइज रख सकें हम वो रखें uh, इशू हमारा है पैलेस्टाइन का हमने करना ये है कि थोड़ा सा हम उसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में मैं कोशिश करूंगी हम विद डेट्स चलें क्योंकि जिनका पीएमएस है उनके जीके के पेपर के लिए या एम के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा फिर थोड़ा सा हिस्ट्री को लेके आगे चलेंगे वहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हम वो साथ साथ डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम न्यूज़पेपर में न्यूज़ में रिपीटेडली सुन रहे होते हैं हम उसका उसका मीनिंग उसका क्रक्स जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और एंड पे सेवेंथ uh, अक्टूबर के बाद जो कुछ हुआ हम वो सारा कुछ जो है वो कवर करने की ट्राई करेंगे कोशिश करेंगे कि जितना इजीली जितना सिंपल और जितना जल्दी ये सब हो सके वो कर लें uh, मैं एक्चुअली uh, अपने आईपैड पे विद स्टाइलस ये करना चाह रही थी लेकिन वो किसी तरीके वो नहीं हो पाया आई एल ट्राई कि मैं स्क्रीन शेयर करके एक टेब्यूलेटेड फॉर्म में विद डेट्स चीज़ें साथ साथ लिखती रहूँ और आपसे वो स्क्रीन से स्क्रीन जो है वो शेयर हो जाएगी आप लोग वो देखते जाइएगा और आई uh, ट्राई के जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं मैं उसका पीडीएफ बना के क्लास के बाद हम ग्रुप में वो भी अपलोड कर दें अगर किसी के पास कोई और सजेशन है तो वो मुझे अभी बता दें हम उस हिसाब से कर लेते हैं वरना फिर मैं स्क्रीन शेयर करके तो हम स्टार्ट कर लेंगे थोड़ा सा फर्स्ट uh, क्लास है तो अच्छा uh, राजा जयाब ये नोट्स कैसे बनाने हैं क्या करना है ये सब ये वाले क्वेश्चंस ना प्लीज आप लोग क्लास के एंड के लिए थोड़ा रखो हम पहले अपना टॉपिक कर लें उसके बाद थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन एंड पे कर लेंगे टॉपिक से रिलेटेड भी कोई चीज़ किसी को पूछना होगा तो वो मैं बीच में भी ट्राई करूंगी कि आपसे पूछती रहूँ और एंड पे फिर आपके जो भी सवाल होंगे जो भी क्वेरीज होंगी उसको हम एड्रेस कर लेंगे ठीक है um, अभी लेट्स गो अब मुझे आप लोगों ने बताना है जब स्क्रीन शेयर हो जाए आम, मुझे बताइएगा कि मेरा डेस्कटॉप आपको नजर आ रहा है अच्छा और मैं फॉन्ट लिख रही हूं आ, अभी आप वो देख रहे हैं आप लोगों को विजिबल है तो हम उसी फॉन्ट पे फिर चलेंगे इजिली विजिबल टू एवरीवन चलो डन हो गया अच्छा जी हमने शुरू करना है पेलेस्टाइन इशू हमारा पेलेस्टाइन इशू का अच्छा ये जरा ना दाएं बाएं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है सिर्फ जिधर तक आपका टेबल बना हुआ है ना वहां तक रहिएगा मैंने बड़ी कोशिश की कि ये टूल बार साइड से हाइड हो जाए जरा टेक्निकली वीक हूं ना मैं डॉक्टर हूं ना आफ्टर ऑल तो वो मेरे से छुपा नहीं तो टेबल पे रहिए ठीक है थेके? अच्छा जी सबसे पहले तो पैलेस्टाइन इशू का क्या है ये इसराइल और पैलेस्टाइन है क्या ठीक है इसराइल इज द ओनली वर्ल्ड जूश स्टेट जूश जो हमारे पीपल हैं हमारे तो खैर ठीक है दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक ही स्टेट अभी तक दुनिया में मौजूद है और वो इसराइल है और पेलस्टीनियन सारी अरब पॉपुलेशन है जो वहाँ पे जिनके एंसेस्टर्स शुरू से उस लैंड पे रह रहे थे वो अब भी वहीं पर हैं क्योंकि दे क्लेम दैट लैंड कि ये हमारा है ठीक है हमने शुरू करना है कि ये इशू उठा कहां से और ये इशू चला कैसे एक चीज याद रखिएगा जो मेन कॉन्फ्लिक्ट فلسطین का शुरू हुआ ना मैं यहां पर लिखना लिखते भी जाती हूं कोशिश करें साथ-साथ आप लोग अपने ना वो बनाते जाए अब इसके फॉन्ट को क्या हुआ अपने ना नोट्स साथ-साथ बनाते जाएं बाद में मैं शेयर भी करूंगी अपने भी लेकिन बेटर है कि आप लोग भी अपना कर लो गॉड oh जो मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था बिटवीन इजराइल एंड फलस्तीन वो हमारा स्टार्ट हुआ है रफली अगर मैं बात करूं तो 1967 के बाद ठीक है 1967 में क्या हुआ जिसके बाद ये इवेंट इतना ज्यादा हो गया कि उसके बाद प्रॉपर एक क्राइसिस स्टार्ट हुआ है वो सब हम जब डिटेल में भी बीच बीच में करेंगे ना तो वो आपका वो कवर होता चला जाएगा ठीक है अच्छा एक तो ये मेन कॉन्फ्लिक्ट याद रखना है कि ये 1967 से स्टार्ट हुआ है अभी बिफोर स्टार्टिंग दिस हमें ना दो तीन टर्म्स हैं जिनको सी, uh, वो करने की जरूरत है समझने की जरूरत है या जो हम बार बार जो है वो अभी यूज भी करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं एक बार लिख के ना फिर मैं फॉन्ट आपको क्लियर कर दूंगी आप लोग फिर वो देख लीजिएगा ठीक है इसमें इम्पोर्टेंट है वेस्ट बैंक जो uh, इस पूरे लैंड में एक हमारे पास इसमें इम्पोर्टेंट है सॉरी बे बच्चों ये तो बहुत ही खराब हो रहा है एक है गजा जो इंपॉर्टेंट है और एक हमारे पास आ जाता है जहां पे मस्जिद अक्सा है विच इज ईस्ट जेरूशलम अच्छा अब इनका क्या है कि हमारा ये तीनों रीजन पे अगर हम बात करें ये है डिवाइडेड लैंड ठीक है कंट्रोल इन सारी जगहों पे डिफरेंट पार्टीज का है जो हमारा वेस्ट बैंक है वहां पे कंट्रोल करता है इसराइल ठीक है Uh, एक uh, मैं अभी यहाँ पर नाम लिख रही हूँ इसको मैं बाद में जब पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बता भी दूंगी पीए के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी है वो है पेलेस्तीनियन अथॉरिटी बेसिकली ये बाय नेम इट इज द दलस्तिनियन अथॉरिटी लेकिन ये अंडर इसराइल ही काम करती है ये बेसिकली आप कह लें कि ये uh, एक अथॉरिटेटिव बॉडी बनाई हुई है इसराइल ने टू कंट्रोल द वेस्ट बैंक ठीक है गजा हम सबको पता है કે वहां पे हमास का कंट्रोल है और ईस्ट जेरुसलम फिलहाल इजराइल के कंट्रोल में ही है ठीक है तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट हैं जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है या जो मेन फाइट चल रही है वो इन थ्री एरियाज की है अब द पॉइंट इज जो लैंड है वो वो सिर्फ ये थ्री रीजन नहीं है वो सिर्फ ये थ्री एरियाज नहीं है अगर हम लोग आ, आ, देखेंगे आ, मैप को आप में से किस-किस को ये लैंड पता है ज्योग्राफी पता है इसकी नूर मेरे ख्याल से मैंने उसको फॉन्ट को इंक्रीज किया है अगर आप अब देखें तो आई डोंट नो इट इज़ विजिबल राइट नाउ और नॉट नजर नहीं आ रहा किसी को भी ये जिनको नजर आ रहा है उनको कैसे नजर आ रहा है भाइयों और बहनों एक तो हम वैसे ही टेक्नोलॉजी में वीक हैं माशाल्लाह से ऊपर से आप लोग कंफ्यूज करें जो आ रहा है ना देखो कितने लोगों को तो नजर आ रहा है जिनको नजर नहीं आ रहा दो आंखें और लगाएं ग्लासेस पहने और उसके बाद चार जो है ना फोर आइज आर बेटर देखें ठीक है अच्छा अब ये किस किस को इसकी लैंड वाला वो सारा पता है के इनकी ज्योग्राफी क्या है या इनका मैप क्या है चलो मैं बोल करती हूँ मैप पे कभी गौर किया है इसके किसी ने इतना मुश्किल कर दिया है ना मेरे लिए इसको तुम्हें अच्छा अब एक काम करना है आप लोगों ने अपने पास मैप खोल लेने हैं अब आप कहते तो मैं यहाँ से आपको सर्च करके मैं भी साथ में खोल के दिखा देती हूँ मैप अगर आप लोग खुद से वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं लेट्स सी सॉरी अच्छा ये पता नहीं क्या खुला हुआ बच्चों ने कोई खोलेंगे चलो गेट गेट वे आगे अच्छा जी हमारा सफारी जो है ना वो हमारा साथ नहीं दे रहा आप लोग प्लीज अपने पास मैप्स खोले मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये अब ऐसा है कि जो इसराइल के पास पूरा लैंड कंट्रोल में है उसमें ऊपर हमारे पास आ, जो ऊपर वाला रीजन है वहाँ पे हमारे पास आती है गोलान हाइट्स हम लोग उसकी भी बात करेंगे जो नॉर्दर्न एरिया की बात कर रही हूँ ठीक है वहाँ से नीचे आप आएंगे वहाँ पे हमारे पास वेस्ट बैंक है थोड़ा सा हम टूवर्ड्स द वेस्ट जाएंगे तो नीचे साउ जो साउथ वेस्ट ए रीजन है वहां पे हमारे पास गजा है और गजा के साथ नीचे इजिप्ट का बॉर्डर चलता है ठीक है इजिप्ट का बॉर्डर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि वो एक वाहिद रूट है गज़ा का जो इसराइल के साथ नहीं जा रहा जो किसी और कंट्री के साथ जा रहा है ठीक है पे अभी इजिप्शियन बॉर्डर पे जो हम ये सनाई एरिया की बात सुनते हैं या जो आ, स्क्रीन पे अभी मैं बच्चे कुछ लिख नहीं रही हूँ जब मैं लिखना स्टार्ट करूंगी तो आई ओपन इट आप ठीक है मैं अभी बॉर्डर्स की बात कर रही हूँ इसीलिए आपको कहा था आप लोग अपने मैप्स खोल लो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा ठीक हो गया गजाक स्ट्रिप की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो वो थ्री साइड्स पे उसके जो है ना वो लैंड के साथ जाता है दो साइड्स उसकी इसराइल पे जा रही हैं जो नॉर्दर्न साइड है और जो ईस्टर्न साइड्स है ठीक है ये दोनों इसराइल के साथ जाती हैं जो उसकी आप बात करें वेस्टर्न साइड की तो वो सारा मेडिटेरियन सी जो है उसके साथ ओपन होता है वहां पर भी इसराइल का कंट्रोल है ठीक है इवन वो फिशिंग वाला सारा और वहां पे जो सी पोर्ट्स हैं वो सब इसराइल कंट्रोल कर रहा है ठीक हो गया जो नीचे उसका बॉर्डर जा रहा है जो हम देखते हैं नॉर्थर्न वाला वो इजिप्ट के साथ है जहाँ पे हम वो रफा क्रॉसिंग की आजकल न्यूज में बहुत बात सुनते हैं कि रफा में जो रिफ्यूजी कैंप्स थे वहां पे जो कुछ हो रहा है वो सारा बॉर्डर उसका इजिप्ट के साथ है ठीक है ये थोड़ी सी इसकी आप वो समझ लोगे ना ओरिएंटेशन एक तरह से तो वो आपको समझ आ जाएगी ये मैंने बात की है गजा की अगर हम होल ऑफ द लैंड की बात करें ना पहले सीनियर लैंड में सिर्फ देखो वेस्ट बैंक या जरूसलम या गजा नहीं था बात तो अभी सिर्फ इनकी हो रही है बाकी जो मिड वाला रीजन है वो पूरा का पूरा ऑलरेडी इसराइल के कंट्रोल में है वहां पर उनकी अथॉरिटी है अब तो वो इन रीजन को भी अनेक्ट करने के उसमें है ना तो वो जो पूरा लैंड है एक जो अब इसराइल का एक पूरा वो बना हुआ है उसमें अब अगर आप देखें तो हमारे पास कौन कौन से कंट्रीज आते हैं हमारे पास लेबनॉन है भाई ये स्क्रीन शेयर वाले कौन है मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ स्क्रीन पे अच्छा लो भाई ये लें आप लोग खुश हो जाए ये 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 स्क्रीन शेयर हो गई बच्चों हैप्पी ठीक है अच्छा अब जो कंट्रोल कर रहे हैं जो जो ये जो इसराइल का पूरा लैंड है इसकी साइड पे ना कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के नाम है अभी आप लोग वो जहन में रखें आगे मैं अभी आपको बताऊंगी तो आपको वो समझ आ जाएगा कि वो क्यों याद रखनी है लेबनान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक लेबनान के बाद हमारे पास हमने सीरिया की तरफ जाना है सीरिया इम्पॉर्टेंट है ये आप लोग ना ऐसे समझें कि मैं नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलती हुई आ रही हूँ ठीक है तो ये इनका जो इसराइल के साथ बॉर्डर्स है ना साइड पे वो ऐसे हैं नॉर्दर्न एरिया में लेबनान साथ उसके सीरिया जहां पे मैंने आपको बताया कि उनके पास वो जो गोलान हाइट्स है ना वो वहां पर है ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाता है जॉर्डन और फिर हमारे पास आता है इजिप्ट और हौसला मैं इसका ना पॉन्ट बड़ा कर देती हूँ अच्छा किसी ने मुझे एक मशवरा दिया है कि इन सबको करके और इनको वो कर दें इकट्ठा बोल्ड हो जाएगा वेरी गुड ये कौन था भला हो तुम्हारा चलो <clears throat> थोड़ी सी इनकी ओरिएंटेशन समझ आ गई आप लोगों को कि उस रीजन के आसपास क्या है और उस रीजन के अंदर क्या क्या चीज है मेरे पास ना बच्चे आ रहा है कि people can see the screen, तो वो जिसको भी नजर नहीं आ रही kindly अप अपने network का वो चेक कर लो क्योंकि अभी तो मेरी तरफ से screen is visible to everyone. ठीक है चलो अब हम शुरू करते हैं ये हमने एक थोड़ा सा उसका वो रीजनल जो डिवीजन थी ना वो पढ़ ली है ठीक है गजा स्ट्रिप पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं एमसी के लिए जो जीके वाले हैं स्पेशली उनके लिए रफली इट इज थ्री सिक्सटी थ्री कर लो थ्री सिक्सटी एट कुछ जगह पर लिखा होता है किलोमीटर स्केयर इसका टोटल टोटल जो एरिया है वो है ठीक है इसको हम कहते हैं कि ये है फोर्टी किलोमीटर वाइड जो गजा स्ट्रिप है जहां पे ये सारा अभी वो चल रहा है इशू ठीक है फोर्टी किलोमीटर वाइड है ये और रफली लॉन्ग सॉरी फोर्टी किलोमीटर लॉन्ग एंड रफली ट्वेल्व किलोमीटर वाइड है ये ये आपके वो जो एमसीक्यू वाला पेपर होते हैं ना उनमें कहीं ना कहीं ये चीज आ सकती है ठीक है एंड इट इज बाय हमास ये हमने वो कर लिया है ये कंप्लीट फिलहाल जो ब्लॉकेड है ना वो गजा का ही चल रहा है और वहीं पे सारा वो है अच्छा उसके बाद है जी हमारे पास अगर हम अभी चले अः इसकी हम, हम हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं ठीक है अच्छा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो ऊपर सबसे मैंने लिखा बेल फॉर डेक्लेन जिसको कहते हैं ना हमारी देसी जबान में Uh, फसाद की जड़ वो ये जी हमारी बेलफॉर डेक्लोरेशन थी ये रफली हंड्रेड ईयर्स पहलेबर टू बीसाइज इसकी अगर मैं आपको डेट बताऊंटीन सेवनटीन uh, 1917, सेवनटीन में क्या हो रहा था दुनिया में इंपॉर्टेंट ऐसा कोई बताएगा कोई इवेंट क्या चल रहा था दुनिया में उन्नीस सत्रह में प्यारी वाले बच्चों वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी गुड तो वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे ना उन्होंने क्योंकि उनकी एक कॉलोनियल लेगेसी चल रही थी वो इस लेगेसी पे बिलीव करते थे कि कॉलोनीज होनी चाहिए हम वर्ल्ड पार हैं और हम दुनिया की हर जगह पर अपनी कॉलोनीज बनाएंगे आयमा जरा इंडो पाक से बाहर आ जाए हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहे हैं ठीक है पाकिस्तान अफेयर ज्यादा नहीं पढ़नी अभी अभी हम सिर्फ ये आईआर से रिलेटेड चीजें चल रही हैं ठीक है थीके? अच्छा तो ब्रिटिश क्या चाहते थे कि उनका बाकी तो इंडो पाक रीजन और वहां पे उनकी थी ना उनकी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था अब वो चाहते ये थे कि उन्होंने जो रीजन मिडल ईस्ट का है ना उसको भी कंट्रोल करना है ठीक है अब मिडल ईस्टर्न रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो इस रीजन को किसी तरीके कवर कर जाते यहाँ पे उनको एक बड़ा अच्छा एज मिला जो ब्रिटिश थे कि हम एक मूवमेंट का साथ देते हैं उस मूवमेंट का नाम था जायनिस्ट मूवमेंट ठीक है अब जायनिज्म क्या होती है जायनिज्म है बेसिकली वो एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो जोइ पीपल के लिए वो कहते थे कि एक होम होना चाहिए ठीक है वी नीड आवर ओन प्लेस दैट टू विद इन विद इन द पेलेतीनियन लैंड उस टाइम पे ये जो पूरा इसराइल मैंने आपको बताया ना जिसमें वेस्ट बैंक जिसमें गजा स्ट्रिप ये सारा आ रहा है वो बेसिकली पूरे का पूरा एक उसको फलस्तीन कहते थे वो अब चेंज होके इसराइल हो गया ठीक है तो बेसिकली जायनिस्ट ये कहते थे कि वो जो पेलेस्तीनियन लैंड है ना उस उसपे हमें प्रॉपर एक होम चाहिए ये जायनिस्ट मूवमेंट चल रही थी तो बेल्फोर डेक्लेन में क्या हुआ के एक आए जी साहब जिनका नाम था ये अब मैं नीचे यहाँ पे आपको साथ साथ टाइप करती जाऊंगी जो जो इम्पोर्टेंट नेम आते जाएंगे बेलफोर में ताकि आप लोगों को मसला ना हो आई होप कि ये बाद में बोल हो जाएगा सारा चलो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था सर आर्थर बेल्फोर उसी के नाम पे इसको बेल्फोर डेक्लेन कहते हैं इसने किया क्या कि एक लेटर लिखा इसने जो ब्रिटिश जाइनिस्ट फेडरेशन थी ना उसका जो लॉर्ड था उसको इसने लेटर लिखा और उसने ब्रिटिश सिंपति शो की कि हम जाइनिज्म मूवमेंट के साथ हैं एंड वी विल फैसिलिटेट टू स्टेब्लिश अ होम अब जो वहां पे जो वर्ड्स यूज हुए ना दैट वर एग्जैक्टली के नेशनल होम फॉर जुइश पीपल इन फेलस्तीन उन्होंने कहा हम ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी इसमें असिस्ट करेंगे आपको ताकि आप पेलिस्टीनियन लैंड पे एक नेशनल होम फॉर जुइ पीपल बना लें ठीक है रिमेंबर हिटलर कौन सी वर्ल्ड वॉर में आया था चलो जल्दी से आप जवाब दो तब तक मैं ना जरा यहाँ पे नाम लिख लू तो अभी हम कौन सी वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं वन की हिटलर साहब तो अभी कहीं है ही नहीं पिक्चर में अभी तो हम बहुत पीछे हैं ना ठीक है अच्छा जी आर्थर बेल्फोर साहब ने लेटर लिख दिया लॉर्ड साहब को उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं हम जाइनजम मूवमेंट में आपकी हेल्प करेंगे और हम आपको एक लैंड इस्ट करा के देंगे नेशनल होम फॉर जुइश पीपल ये लाइन आपने याद रखनी है आप इसको कहीं ना कहीं बीच में कोट भी कर सकते हैं ये इनवर्टेड कोमास में प्रॉपर ये हर जगह पे यूज होती है कि एक्चुअल क्रक्स जो था ना इस डेक्लेशन का वो ये था ठीक है अच्छा जी अब उसने ये कह तो दिया अब आप मुझे एक बात बताएं पहले सीनियर लैंड में कौन रह रहा था जो पैलेस्तीनियन लैंड है यहाँ पर तो अरब पॉपुलेशन रह रही थी ना हमने अभी ऊपर बात की ये तो मुस्लिम्स थे सारे ब्रिटिश के होल्ड में तो ये जगह थी ही नहीं उस टाइम पे ये जगह किसके कंट्रोल में थी जिस टाइम पे ये डिक्लेरेशन दिया गया ना उस टाइम इसको कंट्रोल कर रही थी ऑटोमैन एम्पायर अभी ऊपर किसी ने कहा ना कि टर्किश भी वो टूट रहे थे वो सब इसके बाद आएगा ठीक है ऑटोम अम्पायर इसको पूरा कंट्रोल कर रही थी उस टाइम पे और ब्रिटिश ना यहाँ के ओनर ना यहाँ के कंट्रोल में ना यहाँ के नेटिव वो ये वादा कर रहे हैं जुइ पीपल को कि हम आपको ये लैंड लेके देंगे तो ऑब्वियसली उनके पास कोई प्लान था इस टाइम पे यहाँ पे पेलेस्टाइन में रफली नाइन्टी टू परसेंट पॉपुलेशन जो रह रही थी वो हमारे मुस्लिम्स प्लस क्रिश्चियंस थे ठीक है और बाकी के जो अब थे ना थोड़े बहुत वो थे जूश पीपल ठीक है एट परसेंट जो बचते हैं ठीक हो गया अब जी आ, इन्होंने ये प्रॉमिस किया जूस ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है जब डिक्लेरेशन ये हुआ उसके बाद रफली इन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री इफ आई वुड बी करेक्ट अगर मैं थोड़ा गलत हुई तो मुझे बता दीजिएगा नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में ऑटोमैन का कंट्रोल जो है वो इसके ऊपर खत्म हो गया बच्चा 1923 में ऑटोमैन का ऑटोमैन एम्पायर का जो कंट्रोल था फलस्तीनियन लैंड पे ना वो खत्म हो गया था और ब्रिटिश ने आके ऑक्यूपाई कर लिया था इस लैंड को और जो मैंने 92 लिखा था वो टू टेल यू के फेलस्तिनियन जो लैंड था उस पर नाइनटी टू परसेंट पॉपुलेशन तब अरब पॉपुलेशन थी मुस्लिम एंड क्रिश्चन पॉपुलेशन थी ठीक है तो उस टाइम पे वहां पे जुइस थे ही नहीं समझ रहे हैं आप सब मेरे साथ हैं ना मैं बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रही चलो नहीं नहीं ये ये कंफर्म है कि ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल पहले लैंड पे 1923 में खत्म हुआ था और उसके बाद ये ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया था अब हुआ क्या जी वर्ल्ड वॉर वन हुई वो सारा कुछ हुआ बीच में तब तक ये सारा उस कंट्रोल में रहा जोश ऑन एंड ऑफ इस जगह पर आते रहे ठीक हो गया अब आ गई वर्ल्ड वॉर टू का टाइम वो जिसको वो हिटलर वाला टाइम था हिटलर ने क्या किया उसने जुइश को वहां से भगाना शुरू किया अब क्योंकि जुइश के पास एक बड़ा अच्छा रीजन था कि हमारे पास एक नेशनल होम हमें कहा गया है कि आपको मिलेगा ये यूनाइटेड नेशंस ने बाद में ये जो बेल्फोर डेक्लेन था ना इसको एक रिटर्न उसमें दे दिया था और प्रॉपर ऑब्लिगेट कर दिया था जी ये एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा और नेशनल होम बनेगा लैंड के अंदर ठीक है तो वो इसको बड़ा ओन कर रहे थे जूश पीपल जो थे तो जब हिटलर ने उनको वहां से भगाना शुरू किया तो उनके पास एक ही लैंड था जहां पर वो जा सकते थे वो पैलेस्टीन का लैंड था और वो वहां पर आए अब ब्रिटिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू अच्छी खासी जब वो सारा इश्यूज हुए इनको पता लगा कि ये तो हम हारते हैं या जिस भी तरह से तो इन्होंने 1947 में ये जो इशू था फलस्त वाला इन्होंने कहा ब्रिटिश ने कि हम कंट्रोल छोड़ रहे हैं ठीक है हम ये यूनाइटेड नेशंस पे छोड़ते हैं कि अब वो फलस्तीन को डिवाइड कर लें जिस तरह से भी डिवाइड करना चाहते हैं वो जो हम बात करेंगे अब यहाँ पे वो जो हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं ना हम लोग अक्सर सुनते हैं जी टू स्टेट सोलूशन क्या टू वो यहाँ से निकला है यूनाइटेड नेशंस पे जब ये गया तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि यहाँ पे दोनों भाई भाई, भाई बन के और मुस्लिम साथ साथ रहेंगे और फेलेन को उन्होंने दो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया एक अरब स्टेट बना दी और एक जुइस स्टेट बना दी तो टू स्टेट यहां से निकली यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं कहानी सबको समझ आ रही है या किसी को कोई मसला पेश आ रहा है तो वो मुझे बता दे ये नई वाला कौन है सैमसंग एस एम ए वन फाइव भाई बहन अपना नाम लिख दो फिर ताकि मैं आपको एड्रेस कर लू बीच में साथ साथ और आपको समझ आता रहे चलो ठीक है हालियान आपका जो भी सवाल होगा ना आप प्लीज यहाँ पर मुझसे पूछेंगे हम एक स्टोरी की तरह चल रहे हैं स्टोरी आपकी कहीं से मिस होगी तो आप बाद में लेक्चर सुन लीजिएगा ठीक है चलो 1947 हो गया दो स्टेट सोल्यूशन आगे अब टू स्टेट सोल्यूशन तो यूनाइटेड नेशन ने दे दिया अब हुआ क्या वहां पे जो आए ना उन्होंने कहा ऐसे कैसे हम भाई भाई बन के तो रह ही नहीं सकते आ, नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा ये मैंने अपने लिए रिकॉर्ड किया ताकि इसमें ये जो टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं ना ये अगले में ना आए और स्पेशली अगर मैंने अभी बता दिया कि रिकॉर्डेड लेक्चर होगा तो आधे तो वैसे ही नहीं सुनेंगे तो इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर मैं बिल्कुल नहीं दूंगी तो हम बाद में मिन्नते करवाएंगे आपसे और फिर हम शायद सोचेंगे कि देना या नहीं देना ठीक है ना चलो 1948 में क्या हुआ कि जितने ज़ायनिस्ट आए थे जो यहाँ पर उन्होंने किया क्या कि एक मिल के फोर्स बना ली अपनी ठीक है ज़ायनिस्ट फोर्सेस बन गई जाइनिस्ट मिलिशिया बन गया और इन्होंने कहा कि ये जो हमारे साथ भाई बन के रह रहे हैं उनको हमने यहां से निकालना है इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं प्लान डी ठीक है अब दिस प्लान डी वॉज एक्चुअली अगर इसको हम उसकी फुल फॉर्म देखें तो इट इज प्लान डलिट ठीक है अब इस प्लान के अकॉर्डिंगली इन्होंने ये मेक श्योर sure किया कि हमें जितनी भी फोर्स यूज करनी पड़ेगी हम जैसे भी करेंगे हमने इस लैंड को विल फ्री इट फ्रॉम द अरब नेशनल्स हमारे पास इस लैंड पे सिर्फ ज्यूइश पीपल रह जाएंगे नॉन ज्यूइश को हमने यहाँ से निकालना है और अल्टीमेटली इनका इस पूरी मूवमेंट के बाद हुआ क्या कि ये डेट अब आप लोग थोड़ा वो याद रखिएगा फोर्टीन ऑफ मे ठीक है 1948 को फोर्सेस ने जुइश uh, पहली जुइश लैंड अपना उन्होंने इसराइल के नाम से उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारा है ठीक है इस पूरी मूवमेंट के दौरान हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ फलस्तीनियंस को घरों से निकाला गया आ, उनको मूव करने के लिए फोर्स किया गया उनको फोर्सली उनके जो एंसेस्ट्रल होम्स थे वहां से निकाला गया और उनको पुश किया गया कि वो डिफरेंट रीजन पे जाके वो जाके स्टे करें ठीक है वो जो सेंटर वाला पूरा इस, हम पेस्टिनियन लैंड देखते हैं ना जिसपे अब इजराइल लिखा हुआ है वहां से इनको टुवर्ड्स द बॉर्डर पुश कर दिया गया जैसे मार्जिनलाइज कर देते हैं ठीक है वो कर दिया गया अब हुआ क्या इस पूरे ये जो इतनी मैस माइग्रेशन हुई इसको कहते हैं जी नकबा ये स्टेटमेंट ये वर्ड हम बार बार सुनते हैं इसको आपने याद रखना ये बहुत जगह पर आता है ठीक है ये एमसीक्यूज uh, में भी शायद वो आपसे पूछ लें ठीक है नकबा के दौरान ये हुआ था कि ये जो सारे अरब फेलस्त थे ये गजा की तरफ भागे अब हमने जो ऊपर इसके इर्द गिर्द कंट्रीज याद किए थे ना अब आपको ये याद करने में आसानी हो जाएगी इर्द गिर्द कौन कौन से मुल्क थे ये देखो लेबनान था सीरिया था जॉर्डन था इजिप्ट था इन चारों मुल्कों की तरफ ये भागे ठीक है क्योंकि वहां पे वो इसराइल उनको फोर्स कर रहा था यू हैव टू लीव अच्छा उसके बाद इराक इनके साथ मिला ये जो सारे मुस्लिम कंट्रीज थे इनकी हम लोग मैं बस ये शॉर्ट वो लिख रही हूँ ठीक है और साथ में इनके आपने प्लस कर लेना है ईरान को ठीक है ये ऊपर वाले हैं यार बार बार कोई ना पूछे लेबनॉन सीरिया जॉर्डन और इजिप्ट है अब इतने लंबे लंबे नहीं लिख सकती ठीक है ना साथ इनके ईरान ऐड हो गया और इन सब ने मिल के कहा कि लो जी लो हमारे भाइयों को भगा दिया तो हम तो अब मिलके तो इसराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे इन्होंने मजे से इसराइल के खिलाफ जंग लड़ी और गेस विनर कौन हुआ इसराइल वो भाई जीत गया ठीक हो गया इसराइल ने जीत के आ, वैसे तो वो पूरा लैंड ले लिया जो इन लोगों ने वापस लेना था अपने मुस्लिम भाइयों के लिए लेकिन इससे थोड़ा सा एक हुआ क्या कि जो हमारा वेस्ट बैंक है जिसकी हम अभी ऊपर भी बात करके आए ये चला गया जॉर्डन के कंट्रोल में और जो हमारी गजा स्ट्रिप थी गजा के साथ नीचे कौन सा कंट्री था इजिप्ट ये चला गया इजिप्ट के कंट्रोल में

इजराइल ने क्या लिखा जा रहा है सॉरी 1967 में इजराइल ने एक और वॉर इनके साथ की और इस वॉर के रिजल्ट्स डिजास्ट्रस साबित हुए इस वॉर को हम कहते हैं सिक्स डेज वॉर ये जो आप लोग उसमें न्यूज़ में या अक्सर जगहों पे सुनते हैं ये सिक्स डेज वॉर हुई सिर्फ 6 दिन ये वॉर लड़ी गई थी और इस वॉर के रिजल्ट में सीरिया भी पिटा जॉर्डन भी पिटा इजिप्ट भी गया और बेचारे फलस्तीनी तो पहले ही पिट रहे थे उनके भी बुरे हालात होंगे तो ये डेज वॉर के एंड पे ऑफ जून 1967 का जो डे है उसको नक्सा कहते हैं ठीक है नक्सा बेसिकली अराबिक है इसका मतलब है द डे ऑफ डिफीट अब दो